नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग वाटरमार्क से, वो भी पेज मेकर के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंकितेश्वर शुक्ला ने कमेंट किया है कि सर इमेज वाटरमार्क कैसे देंगे। तो सबसे पहले अंकितेश्वर शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं इमेज वाटरमार्क हम लोग कैसे देते हैं पेज मेकर में। तो बताने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, पेज मेकर एक्चुअली जो एप्लीकेशन वो टाइप रिलेटेड मैटर आप कर सकते हैं, उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फ़ोटो रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग फोटोशॉप का हेल्प लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, पेज मेकर एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक वाटरमार्क दे रखा है इमेज का। देख सकते हैं पीछे आपको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज दिख रहा होगा, ये वाटरमार्क के तरह है। और यहाँ पे ऊपर देखिए एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो सेम टू सेम मैं इस तरह का वाटरमार्क आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मुझे वाटरमार्क देना है, तो क्या करेंगे, इमेज वाटरमार्क। तो उसके लिए हम लोग फोटोशॉप का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। तो फोटोशॉप का भी देखिए, मैंने एप्लीकेशन खोल रखा है और मैं एडोबी फोटोशॉप 7.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वर्जन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस इमेज को भी आपको वाटरमार्क देना है वो इमेज लेकर आते हैं। तो पहले आप फोटोशॉप को ओपन कीजिए, फाइल में जाते हैं, फिर न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे जो भी नाम से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं नाम चूज़ कर सकते हैं। और साइज़ जो है यहाँ पे प्रीसेट साइज, तो यह सबसे छोटा साइज़ लेते हैं 4:6 का, 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच यहाँ पे हाइट है। रिजोल्यूशन 300, मोड RGB और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यहाँ पे कॉन्टेन है, बैकग्राउंड कैसा चाहिए ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, वो इमेज लेकर आते हैं जिसे हमें वाटरमार्क की तरह इस्तेमाल करना है। तो फाइल में जाते हैं, ये ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया है यहाँ पे। अब जिस ड्राइव में भी या जो भी फ़ोटो आप लेकर लाना चाहते हैं वो फ़ोटो लेकर आते हैं। तो फिलहाल एक फोल्डर के अंदर कुछ फ़ोटोज़ है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो मैं सिंपल सा एक फ़ोटो का यूज़ करूँगा यहाँ पर, नॉर्मल सा फ़ोटो, जैसे ये फ़ोटो, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा वाटरमार्क की तरह। कलर फ़ोटो है, इस पर क्लिक किया मैंने, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया, ओके कर देता हूँ। एक अलग सा विंडो में ये फ़ोटो खुल गया। अब क्या करना है, इस फ़ोटो को या तो पूरा फ़ोटो आप ले आ सकते हैं, तो बेस्ट है सिर्फ चेहरा ही पोर्शन रखेंगे। तो हम लोग ये रेक्टेंगल, ये जो पहला टूल है रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, उसी के अंदर देखिए एलिप्टिकल मर्क्यू टूल है, उस पर क्लिक करेंगे और इसे, इस फ़ोटो को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये चेहरा सिर्फ सिलेक्ट किया मैंने, राउंड टाइप का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद इसे फेदर कर देते हैं। फेदर सिलेक्शन जाके हम लोग इसे 10 रखते हैं, 10 से भी ज़्यादा रख सकते हैं। ये 10 कर दिया। ये फेदर करने से क्या होगा, जब इसे हम लोग कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो ये आउटलाइन जो कटा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये फेदर करने के बाद आप एडिट में जाइए, इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद अपने पेज में जाएंगे फोटोशॉप के और यहाँ पे जाके हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए फ़ोटो आ गया। उसके बाद मूव टूल पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा हम लोग स्केलिंग करेंगे, तो आप यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं। एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप इसका स्केलिंग वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, जितना छोटा आपको रखना है रख सकते हैं। तो ये चूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक कर देंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग हो गया। अब ये जो ओरिजिनल फ़ोटो का विंडो है इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब इसे कलर नहीं, जनरली हम लोग जो वाटरमार्क देते हैं थोड़ा लाइट देते हैं, थोड़ा सा कलर उसका ब्लैक एंड वाइट रहता है। तो इस फ़ोटो को हम लोग ब्लैक एंड वाइट पहले करेंगे। तो फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मेनू बार में जाइए, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर देखिए डीसैचुरेट, इस पर क्लिक कर दीजिए, फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ा सा डीप है ये कलर, तो इसको थोड़ा लाइट करते हैं। तो लेयर का पैलेट में जाएंगे, वहाँ पर देखिए ओपेसिटी बोल के एक ऑप्शन है लेयर का पैलेट में, उसका आप 100% है, थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं। जितना आपको लाइट चाहिए वाटरमार्क यहाँ पे इतना कर दिया, 64 कर दिया, हल्का चेहरा भी दिख रहा है, ये हो गया। ओपेसिटी कम करने देने से क्या होगा, इसका जो ओपेसिटी है वो डीप नहीं दिखेगा, हल्का लाइट दिखेगा, हो गया। उसके बाद इसे फाइल में जाके फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद करने के बाद इसे हम लोग सेव एज पे क्लिक कर देते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसे हम लोग डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग, फॉर वाटरमार्क दे दिया मैंने, फॉर वाटरमार्क लिख देता हूँ।
नाम दे दिया फॉर वाटरमार्क। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग PNG फॉर्मेट में सेव करेंगे। क्यों? PNG करने से क्या होता है, बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फॉर वाटरमार्क PNG आ गया, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। इसे मैंने सेव कर दिया, एक ऑप्शन आएगा PNG ऑप्शन, नन रहने दें, ओके कर दीजिए, हो गया। अब देखिए नीचे आपको शो कर रहा, हो गया ये PNG इमेज। अब ये जो फोटोशॉप का जो एप्लीकेशन है, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं। करने के बाद वापस हम लोग पेज मेकर में आते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे बना हुआ है। ब्लैंक पेज में भी आप वाटरमार्क दे सकते हैं इमेज का। उसके बाद फाइल में जाएंगे, उसके बाद प्लेस का ऑप्शन है, प्लेस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखा है, इसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। फॉर वाटरमार्क नाम से मैंने जो सेव किया था है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखिए फॉर दिया हुआ एक अलग है, फॉर वहाँ आ गया। ये देखिए यहाँ पे फॉर वाटरमार्क नाम से दिख रहा है आपको, इस पर हम लोग PNG यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे, ये फाइल एक वार्निंग आया, यस कर दीजिए। एक उसके बाद इसे इस तरह ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इमेज वो आ गया, लेकिन देखिए पीछे जो लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा, मेरा सिर्फ यहाँ पे तस्वीर दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पीछे इसे हम लोग सेंड टू बैक करेंगे। तो फोटो पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, उसके बाद इसके सब मेनू में जाएंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब पीछे आपको देखिए वाटरमार्क दिख रहा होगा इमेज का, थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो इसे बड़ा कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा, ये देखिए वाटरमार्क, ये देखिए। तो इसी तरह हम लोग वाटरमार्क देते हैं, वो भी फोटोशॉप की मदद से। तो बेस्ट यही मैं कहूँगा कि आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेज मेकर में एक्चुअली क्या है, फ़ोटो रिलेटेड काम थोड़ा कमी करते हैं, क्योंकि फ़ोटो फटने का डर रहता है। तो फोटोशॉप से हम लोग उसे वहाँ से इसे थोड़ा सा लाइट करके लेकर आके हम लोग इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वाटरमार्क की तरह इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप शुक्ला जी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पेज मेकर के अंदर फोटोशॉप की मदद से हम लोग कैसे वाटरमार्क इमेज वाटरमार्क देते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।